केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल 2018 को NIRF की ओर से तैयार NIRF रैंकिंग 2018 का जो है तीसरा संस्करण जारी किया है। दोस्तों यह संस्करण जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि हैं प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 की रैंकिंग हेतु जारी किया है। दोस्तों इस NIRF रैंकिंग में कौन कौन से कॉलेज जो हैं वो टॉप पर हैं, यह NIRF रैंकिंग होती क्या है, इसमें कौन कौन से जो हैं मापदंड लिए जाते हैं और दोस्तों कौन कौन से टॉप 10 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि NIRF रैंकिंग है क्या। NIRF की जो शुरुआत है यह सितंबर 2015 में की गई थी और इसके द्वारा पहली रैंकिंग 4 अप्रैल 2016 को जारी की गई थी और इसके बाद अप्रैल 2017 में भारत रैंकिंग 2017 के नाम से दूसरी बार रैंकिंग जारी की गई और तीसरी बार जो है अब 2018 में यह रैंकिंग जारी की गई है जो कि NIRF रैंकिंग 2018 के नाम से जारी की गई है। दोस्तों जो ये NIRF है इसकी जो फुल फॉर्म है वह है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF। दोस्तों जो ये NIRF रैंकिंग है यह शैक्षिक संस्थाओं यानी कि जो भी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट हैं वहाँ की रैंकिंग के लिए उनको रैंक देने के लिए अपनाए जाने वाली एक पद्धति है जो कि संस्थाओं में अपनाए जाने वाले कई मानदंडों के आधार पर जो है आधारित होती है। इसमें कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको बेस मानकर कॉलेजों को रैंकिंग दी जाती है और दोस्तों इसका इन मापदंडों का और इन जो पैरामीटर्स हैं इनका जो निर्धारण है वह मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है नियुक्त की गई समिति के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों बता दें कि जो NIRF है इसमें 5 बिंदुओं को जो है लिया जाता है। ये 5 बिंदु हैं शिक्षण अधिगम संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएं, तीसरा है पहुंच एवं समावेशिता, चौथा है अवर स्नातक परिणाम और आखिर का है अवधारणा के आधार पर जो है इसमें हम रैंकिंग जो है जारी की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो NIRF की रैंकिंग है इसमें सबसे बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के बारे में। इस रैंकिंग में जो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज जो है टॉप पर जो है वो है दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज, ठीक है। और जो सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज है वो है दिल्ली का एम्स कॉलेज और जो लॉ कॉलेज है सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ वो है NLSIU का जो बेंगलुरु में है वह है जो है इस लॉ कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर आया है। दोस्तों यूनिवर्सिटी और ओवरऑल कैटेगरी में देश के प्रतिष्ठित संस्थान IISc बेंगलुरु को शीर्ष स्थान दिया गया है और इस बार जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 श्रेणियों की जो है रैंकिंग जारी की गई है जिसमें ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल और आर्किटेक्चर और लो, ये सब जो हैं श्रेणी में शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि NIRF की रैंकिंग में टॉप 10 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं। तो पहला है एम्स जो कि नई दिल्ली में है, दूसरा है PGIMIR ये चंडीगढ़ में है, तीसरे नंबर पे है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ये तमिलनाडु में है, चौथा है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज यह मणिपाल कर्नाटक में है, पांचवे नंबर पे है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, फिर है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यह पौंडीचेरी में है, अगला है BHU वाराणसी जो कि 7वें नंबर पे है, आठवां है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलेरी साइंसेज दिल्ली में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में यह 9वें नंबर पे है और 10वें नंबर पे है श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये थे टॉप 10 मेडिकल कॉलेज जो कि NIRF की रैंकिंग में टॉप 10 पे आए हैं। अब जानते हैं NIRF रैंकिंग में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पहले नंबर पे जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है IISc बेंगलुरु की, दूसरा है JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की, फिर है BHU वाराणसी, फिर चौथे नंबर पे है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, फिर पाँचवें नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, छठे नंबर पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में,
सातवें नंबर पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आठवें नंबर पे है अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर में ये यूनिवर्सिटी, नौवें नंबर पे है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी और दसवें नंबर पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी NIRF की रैंकिंग में। चलिए अब जान लेते हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सबसे नंबर वन पे है जो है वो है IIT मद्रास। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आया है वो है IIT मुंबई। तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली। चौथे पे है IIT खड़गपुर। पाँचवें पे है IIT कानपुर। छठे पे है IIT रुड़की। सातवें पे है IIT गुवाहाटी और आठवें पे है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में और नौवें नंबर पे है IIT हैदराबाद और दसवें नंबर पे है IIT मुंबई। और दोस्तों IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज थे NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज की हमने वीडियो में जाना कि NIRF रैंकिंग है क्या, किस आधार पर यह इसमें रैंक दी जाती है और कौन कौन से टॉप 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नॉलेज वैनी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। अब मिलेंगे कुछ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।